जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता की कथा एवं पूजन विधि। एक बार देवी पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थी। उनके साथ उनकी दो सहचरियाँ जया और विजया भी थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ निकली। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई बह रही थी, जिसका साफ स्वच्छ जल देखने में देवी पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को अपनी मनसा बताते वह उनको भी स्नान करने को कहा, किंतु वे दोनों भूखी थी। बोली, देवी हमें भूख लगी है, हम स्नान नहीं कर सकती। तो देवी ने कहा, ठीक है, मैं स्नान करती हूँ, तुम विश्राम कर लो। किंतु स्नान में देवी को अधिक समय लग गया। जया विजया ने पुनः देवी से कहा कि उनको कुछ खाने को चाहिए। देवी स्नान करती हुई बोली, कुछ देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गई और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड़क प्रकट किया। वह उस खड़क से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रुधिर की धारा बहने लगी। तीन प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आई तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगी। वह एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगी। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब शिव ने कंबत शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः देवी ने सौम्य रूप बनाया। नाथ पंथ सहित बौद्ध मतावलंबी भी देवी की उपासना करते हैं। भक्त को इनकी उपासना से भौतिक सुख संपदा, वैभव की प्राप्ति, वाद विवाद में विजय, शत्रुओं पर जय, सम्मोहन शक्ति के साथ साथ अलौकिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। इनकी सिद्धि हो जाने पर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से वह वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है। देवी के शिव को कंबत शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। शास्त्रों में देवी को ही प्राण तोषणी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में साधना पूजा करनी चाहिए। देवी योगमयी है, ध्यान समाधि द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। यहाँ पिंगला सहित स्वयं देवी सुषुम्ना नारी हैं, जो कुंडलिनी की स्थान है। देवी के भक्त को मृत्यु भय नहीं रहता, वो इच्छा अनुसार जन्म ले सकता है। देवी की मूर्ति पर रुद्राचनाग, केसर व रक्त चंदन चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। महाविद्या छिन्नमस्ता के इन मंत्रों से आधि व्याधि सहित बड़े से बड़े दुखों का नाश संभव है। देवी माँ का स्वतः सिद्ध महामंत्र
ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ए ब्रज भैरोचिनिये ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों की होम से ही देवी कृपा कर देती हैं। आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं। मालती के फूलों से होम करने पर बाक सिद्धि होती है। वह चंपा के फूलों से होम करने पर सुखों में बढ़ोतरी होती है। बेलपत्र के फूलों से होम करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। वह बेल के फलों से हवन करने पर अभीष्ट सिद्धि होती है। सफेद कनेर के फूलों से होम करने पर रोग मुक्ति मिलती है तथा अल्पायु दोष नष्ट हो 100 साल आयु होती है। लाल कनेर के पुष्पों से होम करने पर बहुत से लोगों का आकर्षण होता है। वह बंदूक पुष्पों से होम करने पर भाग्य वृद्धि होती है। कमल के पुष्पों का घी के साथ होम करने से बड़ी बाधा भी रुक जाती है। मल्लिका नाम के फूलों से होम से भीड़ को भी वश में किया जा सकता है। वह अशोक के पुष्पों से होम करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। महुए के पुष्पों से होम करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह देवी प्रसन्न होती हैं। महायंक देवी द्वारा उत्पन्न गणित का जिसने स्वयं छिन्मस्ताही कहा जाता है, वो देवी का महाअंक 4 है। मालती के फूल, सफेद कनेर के फूल, पीले पुष्प व पुष्प मालाएं चढ़ाएं, केसर पीले रंग से रंगे हुए अक्षत, देसी घी, सफेद तिल, धतूरा, जौ, सुपारी व पान चढ़ाएं, बादाम व सूखे फल प्रसाद रूप में अर्पित करें, सिपिया पूजन स्थान पर रखें, भोजपत्र पर ओम रीम ह्रीम ओम लिखकर अर्पण करें, दुर्वा गंगाजल, शहद, कपूर, रक्त चंदन चढ़ाएं, संभव हो तो चंडी या तांबे के पात्रों का ही पूजन में प्रयोग करें। देवी छिन्मस्ता की विभिन्न प्रकार से पूजा करें। सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक करें। हो सके तो देवी पर नीले फूल, मंदाकिनी अथवा सदाबहार चढ़ाएं। देवी पर सुरमे से तिलक करें, लोहबान से धूप करें और इत्र अर्पित करें। उड़द से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। तत्पश्चात बाएं हाथ में काले नमक की डाले लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राज माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का यथासंभव जाप करें। जाप पूरा होने के बाद काले नमक की डली को बरगद के नीचे गाड़ दें। बची हुई सामग्री को जल प्रवाह कर दें। इस साधना से शत्रुओं का तुरंत नाश होता है। रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलती है तथा कोर्ट कचहरी, वाद विवाद व मुकदमों में निश्चित सफलता मिलती है। महाविद्या छिन्मस्ता की साधना से जीवन की सभी मनोकामना पूरी होती हैं।